जय, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप अपने ग्रुप पे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, उसमें हमने एलिमिनेशन देख लिया है। एसएन में SN1 SN2 को हमने सेपरेटली देख लिया है। आज हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि SN1 और SN2 के अंदर क्या क्या डिफरेंस है और इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसके अंदर डिफरेंस। इधर हम ले लेते हैं SN1 रिएक्शन और इस तरफ हम ले लेते हैं SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 डिफरेंस, तो सबसे पहले जो डिफरेंस हम लेंगे वो तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल, ये है आपके यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिख लेते हैं इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो हो गया इसका नाम के अंदर डिफरेंस कि हमने इसके नाम देखा कि SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, 2 का मतलब बायमोलिकुलर। ओके, 1 डिफरेंस जो कि नाम से देख लेते हैं। डिफरेंस नंबर सेकंड, SN1 इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। कैसी है ये? 2 स्टेप। SN2 क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये 2 पदों में संपन्न होती है, ये 1 पद में संपन्न होती है। सारी मैकेनिज्म हमने देखी जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा है, लास्ट 2 क्लासेस में, वही हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर उनके बेसिस पे। ठीक है, अब रेट की बात नहीं, स्टेप की बात आ गई, अब हम रेट की बात भी कर लेते हैं। रेट, इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के। किसके? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एल्किल हैलाइड जो भी आप ले रहे हैं, इसमें मोस्टली 3 डिग्री लेते हैं, जिसमें इटोफ्लेक्शन ज्यादा होता है, उसमें हम 1 डिग्री। तो यहां पे तो देखो क्या है, इसका पावर 1। बस रेट जो है सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं SN1। इधर है रेट, इधर हम क्या बोलते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल इट। समझा? और इनकी पावर क्या है? 1/8। चले आगे, तो ये समझ में आ गया होगा 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके रेट के अंदर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन का पावर 1 है। इधर इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 और 1 कितना होता है? 2। ओके, चलो ये हो। अब रेट की बात कर रहे हैं, आगे चलते हम रेट से क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ऑर्डर। ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी। आई ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा SN1 रिएक्शन का। दोनों इधर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं? 2, और इसमें सिंगल मॉलिक्यूल। समझ में आगे क्या है? तो ये तो हो गए इनके ये डिफरेंस। और क्या हो सकता है? मैकेनिज्म में देखा था हमने कि SN1 में क्या बन रहा है? कार्बोकेटन एज ए इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट। मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोकैटायन। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। ओके,
नेक्स्ट और क्या डिफरेंस थे, सोचिए क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। इसमें हम क्या सॉल्वेंट यूज में ले रहे थे SN1 में, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वेरी गुड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहां पे बिल्कुल वेरी गुड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हमने पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक को बहुत डिटेल से पढ़ा है, फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पोलर प्रोटिक H2O सॉल्वेंट, पोलर भी है हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के पास, ठीक है, एथेनॉल मेथेनॉल ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन, ये और क्या हो गया एसीटोन के साथ में ईथर भी हो सकता है, ठीक है, DMF डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ओके नेक्स्ट बात करते हैं और क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल की बात भी हम कर सकते हैं, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज में लेते हैं, क्या बोल सकते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे हम क्या लेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब आप बोलोगे वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है वो भी बता दीजिए, तो इसमें हम H2O C2H5 यही वीक न्यूक्लियोफाइल एज ए यूज में लेंगे, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आपके क्या आ जाएगा OH-CN-, आया समझ में, मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे OH-CN-, तो ये ऐसे करके कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे जो SN2 को क्या करेंगे फेवर करेंगे, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे तो किसको फेवर करेंगे SN1 को। और लास्ट टचअप हम इसमें दे देते हैं क्या कि अगर ऐसा कोई सब्सट्रेट लिया आपने एल्किल हैलाइड जिसमें क्या बन रहा हो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन तो किसको फेवर करेगा SN1 को, तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, हमने पहले एक पॉइंट लिख लिया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, लेकिन हमने भी ये लास्ट पॉइंट लिखा है कि अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो SN1 को फेवर करेगा। ओके यहां चलते हैं SN2 इसमें क्या लिखेंगे लेस स्टेरिक हिंडर साइट, समझ में आ गया लेस हिंडर साइट जिसे अपन बोलते हैं, हिंडर साइट, ठीक है, लेस हिंडर साइट होनी चाहिए SN2 के लिए, तब तो SN2 प्रोसीड होगा, अदरवाइज हम क्या करवाएंगे SN1। तो ये हमारे क्या है ये सारे के सारे SN1 और SN2 में क्या है हमारे डिफरेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जिससे हमें पता चले कि किस जगह तो SN1 कराना और किस केस में SN2 कराना। ओके देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा है, एग्जांपल नंबर 1 हमें ऐसा कुछ दे रखा है और कंडीशन दे रखी है हमें KOH and acetone. अब आप बताइए कि किस कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहली चीज हमें देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा ले रखा है, देखिए गौर से देखिए KOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एसीटोन क्या है एसीटोन पोलर प्रोटिक है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कैसा है बिल्कुल पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, KOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एसीटोन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये कंडीशन किसके अंदर होती है, ये कंडीशन मैंने अभी जस्ट बताया आपको
SN2 के अंदर होती है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, कौन से मैकेनिज्म कराएंगे हम, SN2 मैकेनिज्म। ओके, SN2 मैकेनिज्म हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो देखिए क्या बनता है, देखिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, यहाँ से OH- देखो कैसे प्लस और ये माइनस, तो माइनस क्या करेगा, यहाँ से बैक साइड अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा OH- और खुद आके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे, कैसे बनेगा, कुछ ऐसे। ओके, अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर कंडीशन ऐसे दे रखी, देखिए कंडीशन देख के मैंने बोला SN2, ऐसा नहीं बोला। अब मान लीजिए कुछ ऐसा दे रखा है, सेम रिएक्टेंट है और यहां पे दे रखा है आपको H2 और बोल रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, अब H2 कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके साथ में ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों कंडीशन किसमें होती है, अभी देखा हमने SN1, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हम फॉसिलिट करवाएंगे, SN1, और SN1 के अंदर क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहां से Cl जाएगा, लिविंग ग्रुप है तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। ये लीजिए, ये जो कार्बोकेटायन है इस डबल बॉन्ड के साथ में क्या शो करेगा, रेजोनेंस, और कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा। ये कार्बोकेटायन क्या हो गया, स्टेबल। और अब यहां पे हम क्या करेंगे, OH ऐड करके क्या बना देंगे, प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट दोनों में नो डाउट सेम बनेगा, लेकिन बनने का मेथड क्या है वो देखिए, वो मैंने आपको बताया। और ये हमने किससे आइडेंटिफाई किया, या मैं आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे भी देखिए सेम ही, ऐसे नहीं कि मैंने कुछ नहीं लिया, यहाँ पे भी ऊपर जो हमने सब्सट्रेट लिया है वो ही सेम, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है, एक वाया SN2 एक वाया SN1। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा हो, कैसा हो, कुछ ऐसा हो, ठीक है, और क्या ले लिया है, और इसने दे रखा है DMF। अब बताइए कि क्या बनेगा, ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब हमें यही देखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो मेंशन, ये हमें प्रिडिक्ट देखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, ये दोनों कंडीशन किसके अंदर आती है, SN2, ठीक है, तो हम SN2 करवाएंगे और यहां पे Cl- जो है बैक साइड अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा बाहर और खुद आके लग जाएगा। अब आप बोलेंगे कि यहां पे अगर ये Cl हट जाए पहले ही और कार्बोकेटायन बन जाए, तो कार्बोकेटायन जो है इस फिनाइल रिंग के साथ में रेजोनेंस कर लेगा और स्टेबिलिटी को गेन करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इतना वेट नहीं करेगा कि ये जाए और कार्बोकेटायन बने, ये जल्दी से जाकर अटैक कर देगा। ऐसे नहीं होता, हमें भूख लगती है, रसगुल्ले का डब्बा हमारे सामने, हमने हाथ धोए फटाफट और डब्बे में से निकाल के खा गए, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया कि प्लेट लिया उसके अंदर डाला चम्मच से काट के खाए, नहीं, भूख लग रही तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अटैक कर देगा, वेट नहीं करेगा कार्बोकेटायन बनने का। कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी। तो इस कंडीशन में क्या हो गया हमारा, SN2 मैकेनिज्म। ओके, अब इसी के अंदर मान लीजिए हमें यही सबस्ट्रेट होता, मान लीजिए हमारे, और क्या दे देता हमें, हमें दे देता मेथेनॉल,
ठीक है, मैथनॉल ले देता हमें, तो हम क्या बोलते कि कौन सा मैकेनिज्म करवाएंगे? तो ध्यान रखें मैथनॉल क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लिख रहा है अल्कोहल जो भी है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो लिख लीजिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, और वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया साथ में, तो क्या कंडीशन फेवर कर रहे हैं, कर रहा है SN1 की कंडीशन फेवर कर रहा है, तो क्या लिखेंगे SN1 होगा, हम ऐसे ही देखेंगे एग्जाम में, और SN1 करेगा तो क्या बनेगा, पहले लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा और क्या बन जाएगा कार्बोकैटायन, कैसे ऐसे, ये फिनाइल के साथ में, फिनाइल रिंग के साथ में रेजोनेंस शो कर सकता है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी मिल गई कार्बोकैटायन को, स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, और जैसे ही फिर बाद में हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहां पे क्या जाएगा OCH3 आ जाएगा, ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने कैसे कैसे देखा है वो आपके सामने, कि कब SN1 हो रहा है, कब SN2 होगा, सारी चीजें हमारे सामने आ गई है। चलें देखिए क्या होगा, जैसे ये है ना, तो हम क्या करेंगे यहां से ब्रेक कर लीजिए, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे, अब आगे समझ में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलो, अब हम थर्ड एग्जांपल की तरफ चलो, थर्ड एग्जांपल हमारा मान लीजिए कुछ ऐसा हो, कैसा हो, कुछ ऐसा कि स्टीरियो केमिस्ट्री इसने शो कर रखा है, इसने डैश और वेज दे दिया, इसका मतलब क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री दे दी, यहाँ पे आप बोलो कि डैश तो है नहीं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि डैश पे एच है और वेज पे क्या लग रहा है स्टीरियो, और उसने कंडीशन कुछ ऐसी दे दी, कैसी दे दी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मान लीजिए इसने दे दिया साइनाइड आयन और लिख दिया DMF और बोल रहा है प्रोडक्ट बनाइए, अब क्या करें, तो सबसे पहली चीज क्या कि हमें देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या क्या है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बता रखा है पहले भी, DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड क्या होता है, बिल्कुल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, हाँ तो अभी कंडीशन किसकी हो गई है, ये कंडीशन हो गई है हमारी किसकी, SN2, सिंपल कुछ नहीं करना, लिख लीजिए मैकेनिज्म SN2 फॉलो करेगा ये रिएक्शन, और SN2 होगा, SN2 में होता है बैक साइड अटैक, क्या होता है बैक साइड, अगर वेज पे लगा हुआ है आपका Cl तो Cl जो है पीछे से अटैक करेगा, पीछे से मतलब ऐसे बैक साइड अटैक, हमने जब SN2 पढ़ा तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप वीडियो बना हुआ SN2 मैकेनिज्म का आप वो देख सकते, बैक साइड से अटैक करेगा तो इसको बाहर निकाल देगा, खुद आके लग जाएगा, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, डैश पे आके लग जाएगा सीएल, यहाँ पे वेज डार्क से बना देता हूं, बुक्स में डार्क में होता है, ये कंफ्यूज ना हो आप, ये तो डैश पे आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, समझ में आ गया, इसे बोलते हैं बैक साइड अटैक, क्या बोलते हैं बैक साइड अटैक, या इसे हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, अभी हमने देखा भी था डिफरेंस में क्या, वाल्डन इन्वर्जन, चलिए नेक्स्ट, यही मान लीजिए हमारे पास में यही सबस्ट्रेट दिया रखा है हमें, लेकिन उसने क्या करा है कंडीशन चेंज कर दी, कंडीशन कैसे चेंज कर दी देखते हैं, उसने सिर्फ दे दिया हमें ये इतना लिख के छोड़ दिया है, अब क्या करें, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया और वीक न्यूक्लियोफाइल है H2O, मैंने बता रखा है, इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि रिएक्शन क्या फॉलो करेगा, ये रिएक्शन फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, क्या होगी रिएक्शन, SN1 में क्या होता है सबसे पहले लिविंग ग्रुप हट जाता है, अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा और एक कार्बोकैटायन जनरेट कर लेगा, दिस इज द कार्बोकैटायन,
और ये जो कार्बोकेटायन बना है इसपे अब हमारा न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा। कार्बोकेटायन जो है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब है इट इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दैट। ये मेरा हैंड है, प्लेनर है, दो ही फेस है, एक फ्रंट और एक बैक साइड। तो क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, यहां से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो हमारे सामने दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे इससे, कौन कौन से हम देखते हैं कि हमारा जो OH है वो वैज पे भी आ सकता है और हमारा OH जो है डैश पे भी जा सकता है। जैसे ये मान लीजिए अभी जो हमारी कंडीशन है उसमें ये जो कंपाउंड है ये कायरल कार्बन, कैसा है कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन पे अगर हम SN1 कराते हैं तो रैसेमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? R मिक्सचर। ये परफेक्ट R मिक्सचर नहीं होता लेकिन हम इसे क्या बोल सकते हैं, R मिक्सचर। अब देखिए दो एग्जांपल, एक ही सबस्ट्रेट से दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गए, इसमें ये भी पॉसिबल है इसमें ये भी पॉसिबल है, समझ में आया क्या? ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ अलग अलग वैरायटी लेते हैं। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 4, अब हम लेते हैं 3 डिग्री का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा है, ये और इसमें सिंपल डाल रखा है H2। तो इसमें तो कोई देखने वाली या बताने वाली बात ही नहीं कि रिएक्शन कौन सी होगी। H2 इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल, H2 इज ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पूरी कंडीशन इसमें दे रखी है SN1 की। और देखिए आप सबसे मजेदार बात, यहां पे जब मैं इस सीएल को बाहर निकालूंगा तो यहां पे जो कार्बोकेटाइन बना है इट इज ए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, SN1 होगा और बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH। ओके, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखा है, सिंपल दे रखा है, तो हमने भी क्या बना लिया है, सिंपल हमारा क्या बना लिया है, प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। मान लीजिए 5th एग्जांपल हमारे सामने आया कुछ ऐसा, और इसने हमें कंडीशन क्या दे दिया, देखिए मैं ये बार बार इसलिए रखता हूं कि आपको याद रहे, DMF is a polar aprotic solvent, CN- is a strong nucleophile, और ये जब भी आएंगे तब किसको फेवर करेंगे, बिल्कुल SN2 को फेवर करेंगे। और SN2 जब भी होगा बैक साइड अटैक होगा, वाल्डन इन्वर्जन होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, प्रतिपन होगा। तो क्या होगा, जिस साइड पे सीएल लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके बैक साइड में आके कौन अटैच हो जाएगा, बिल्कुल सीएल लगा हुआ था सीएन आ जाएगा। वैच पे आ गया, डार्क कर लीजिए, बुक्स में डार्क होता है, आप डार्क आप कंफ्यूज ना हो, ये वेज डैश है, वेज डैश है, उसमें हमने वेज बनाया है। और वेज क्या होता है, टूवर्ड्स द व्यूअर, देखने वाले की तरफ, बाहर, इस बोर्ड के बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल। इसमें अगर मान लीजिए एक और कंडीशन दे दी इसने, और क्या बोला उसने कि हम जो ले रहे हैं यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि इसने एथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया, मैथेनॉल, और मैथेनॉल लेने के बाद में या फिर इसने क्या बोला यहां पे कुछ ऐसा दे दिया, कुछ भी दे सकता है वो, मेथेनॉल दे सकता है, H2 दे सकता है, हमने H2 ले लिया, H2 देने के बाद में वो आपको बोल सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कीजिए। तो सबसे पहली चीज कंडीशन देखिए, कंडीशन कैसी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एज वेल एज वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 मैकेनिज्म। SN1 mechanism अगर फॉलो करेगा तो सबसे पहले बनना चाहिए कार्बोकेटायन, बिल्कुल कार्बोकेटायन फॉर्म, ये लिविंग ग्रुप क्या कार्बोकेटायन हमने जनरेट कर लिया। ये जो कार्बोकेटायन बना है इसमें रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है, ये
और क्या बन रहा है? आप यहां पे लगा दीजिए पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल को, यहां टैग कर दीजिए या यहां अटैच कर दीजिए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, आईपीसी नेम सेम रहेगा। तो मैं यहां अटैच करके और एक प्रोडक्ट बना देता हूं, आईपीसी नेम सेम रहेगा अगर आप यहां पे भी ओएच लगा देते। तो ये हमारे एग्जांपल क्या रहे एसएन1 और एसएन2 को कैसे। अब हम कुछ नए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। नया एग्जांपल हमारा क्या है, मान लीजिए हमको कुछ ऐसा दे रखा है बी आर सी एम और साथ में क्या कर रखा है ये कंडीशन दे रखी है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन रिंग है हमारा, कंप्लीट कीजिए रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो रिएक्शन है इसके अंदर यहां पे दो लिविंग ग्रुप दे रखे हैं। ये जो सब्सट्रेट है उसमें दो लिविंग ग्रुप है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बी आर जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है और हम इसको बाहर निकाल के क्या लगा देते हैं, बिल्कुल लगा देते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल जो भी दे रखा है। लेकिन ध्यान रखेंगे पहली चीज तो SN2 होगी, बताने की नीड नहीं है। SN2 मैकेनिज्म क्यों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ओके। DMF आपको पता ही पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, यानी SN2 होगा। SN2 होगा तो कहां होगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी है तो हम बेंजीन पे लगे हुए डायरेक्टली अटैच न्यूक्लियोफाइल या लिविंग ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐसा बैक साइड अटैक होगा बिल्कुल, और ये वाला सेल कहां चला जाएगा बाहर, और हमारे ये जो न्यूक्लियोफाइल है S माइनस PH वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अगर आपको दिख नहीं रहा है मैं दोबारा से लिख देता हूँ PH और BR हम क्या लिखेंगे मैंटेन। इसमें हम किसी भी तरह से कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चले देखना क्या है मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ये बनाया, अब कुछ नया लेते हैं। ये हमको दे दिया कि कंपाउंड ए एंड बी है, इस ए This is B. और आपको बोल रखा है, इसने बोला है कि इन A और B में से किसकी rate of reaction towards SN2 reaction ज्यादा होगी, इन दोनों में से कौन सा SN2 reaction fast देगा, rate of SN2 reaction। किसका fast होगा, क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल। अब बताइए क्या, कौन फास्ट देगा और क्यों। ध्यान रखिएगा SN2 रिएक्शन में क्या होता है, वो फेवर करता है SN2 रिएक्शन उन रिएक्शन को फेवर करता है ज्यादा जिसमें गुड लिविंग ग्रुप होता है, और ये कुछ ऐसे फेवर करता है SN1 रिएक्शन SN2 सॉरी इनमें ज्यादा जल्दी से होती है। ये लीजिए आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड और फ्लोराइड, तो क्या होगा कि इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन कौन सा फास्ट होगा, ए इज फास्टर देन बी। क्लियर, कि हमने क्या बोला इसके अंदर कि ए जो है वो बी से क्या होगा फास्ट होगा क्योंकि SN2 मैकेनिज्म जो है इसको फॉलो करता है। चले आगे, और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एल्किल हैलाइड है कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, तो SN1 की तो बात वैसे ही नहीं हो पाएगी। हम किसके कर रहे हैं, हम SN2 की बात कर रहे हैं, और इसमें भी कौन फास्ट देगा तो वो क्या होगा वो मैं आपको बता दें। इस ऑर्डर को हम क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, ओके। नए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए हमें कुछ ऐसा दे रखा है सब्सट्रेट और उसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, हमें क्या क्या कंडीशन दे रखी है देखते हैं कि इसमें हमें दे रखा है
डैश पे लगा रखा है बी आर और यहाँ पे रेच पे लगा रखा है मिथाइल ग्रुप। और हमको क्या बोल रखा है, इसने हमें बोल रखा है कि हम एक बार तो ले रहे हैं मैथेनॉल और एक बार हम क्या ले रहे हैं सी एच थ्री एस नेगेटिव और इसमें हमने क्या ले रखा है सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। अभी बोल रहा है कि कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट कीजिए रिएक्शन को, बेंजीन नहीं है ठीक है, अब इसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, एल्केल लाइट दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन कैसे, वीक न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया तो हम क्या बोल देंगे इस रिएक्शन को कि भैया SN1 रिएक्शन होगा, खत्म बात। और SN1 होगा तो क्या होगा फिर हमारे इसमें SN1 होगा तो हम क्या करा देंगे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाएंगे, बैक साइड से भी आके अटैच होगा और OCH3 बैक साइड से भी आके अटैच होगा और जहां पे जो ग्रुप लगे हुए हैं हम वहां पे वो ग्रुप लगा देते हैं CH3 तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये OCH3 नेगेटिव क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा एक बार तो और बना लेगा ये कार्बोकैटायन तो बनेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोकैटायन हमने नहीं बनाया यहाँ पे। कार्बोकैटायन बनने के बाद में ये क्या हो जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक बार फ्रंट से अटैक करेगा एक बार बैक से अटैक करेगा, फ्रंट और बैक मैंने आपको दोनों दिखा दिया। और यहाँ पे आप इससे डायसेमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं, 100% डायसेमिक मिक्सचर नहीं होता है। अब आते हैं इस कंडीशन, इस कंडीशन में देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज पोलर एपोप्टिक सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म फेवर करेगा ठीक है और एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा और वो क्या बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, लिविंग ग्रुप जिस साइड में है उसके बैक साइड से आके अटैच करेगा, अटैच हो जाएगा OCH। लिविंग ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप इस बी या कहां लगा हुआ है डैश पे, बैक साइड क्या हो गया वेज, ये बीच दुकान हो गई इसके हाथी जैसे, हाँ कोई बात नहीं फनी लग रहा है लेकिन ये प्रोडक्ट बनेगा, इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये SN2। अब ऊपर वाला क्या हो गया SN1 रिएक्शन ठीक है। अब हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए बेंजीन ले लेते हैं, बहुत देर हो गए बेंजीन नहीं ले रहे, एक ये है डायरेक्ट नहीं जोड़े हैं, हम इसमें कार्बन अटैच कर देते हैं, ये एक में दो बेंजीन अटैच कर देते हैं ओके, एक में क्या करते हैं एक में सी एस थ्री भी इन्वॉल्व कर देते हैं ठीक है और टू डिग्री वन डिग्री और क्या करते हैं एक में टू डिग्री ले लेते हैं बी आर और सी एस थ्री ये लीजिए। और आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए इसमें आपको SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है और इसमें SN2 के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लेकिन आपको SN1 और SN2 के रिगार्डिंग आंसर बताना है। जल्दी से कीजिए इसका आंसर, क्वेश्चन आपके सामने जल्दी। तो देखिए क्या, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि एल्केल हैलाइड को दे रखा है, तो हम पहले चलते हैं SN1 पे चलते हैं। देखिए क्या है कि आपको बी आर हटा के कार्बोकैटायन बना लेना है, तो कहाँ कहाँ कार्बोकैटायन बनेगा मैं बता देता हूँ, बी आर मैं हटा नहीं रहा हूँ बस बता रहा हूँ कि बी आर हटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, जहां बी आर लगा हुआ है उसको हटा के हमने पॉजिटिव लगा दिया, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। SN1 के बारे में बता रहे हैं ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है, अभी हमें कंडीशन नहीं दे रखा, वो बोल रहा है SN1 और SN2 रिगार्डिंग, इसमें पता ही रेट, ये है बेंजाइल कार्बोकैटायन ठीक है, यहाँ पे दो बेंजीन भाई, ये जो पॉजिटिव है इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, स्टेबिलिटी मिल गई कार्बोकैटायन को, जबकि यहाँ पे तो दो बेंजीन के अंदर क्या दिखाएगा
रेजोनेंस दिखाएगा, यहाँ पे भी दो बेंजीन है, इनमें रेजोनेंस दिखाएगा, इसमें एक बेंजीन है। अब SN1 सबसे फास्ट काउंट है, जहां कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है। आप सर्च कीजिए मैं सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां पे, ये हमारा पहला काम होना चाहिए। तो आपको देखिए इधर आइए, इन दोनों के अंदर आप आके अटकेंगे, भाई यहाँ पे एक बेंजीन लेंगे, यहाँ पे एक बेंजीन लेंगे, तो इनमें तो कम रेजोनेंस होगा कंपेयर टू दिस वन। इन दोनों के अंदर ये और ये, यहाँ पे दो बेंजीन लेंगे जिनमें ये पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है, किसमें, बिल्कुल रेजोनेंस इन दोनों के अंदर। अब दिक्कत ये कि यहाँ पे एक और CH3 आ गया, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बीआर को हटाने के बाद में जो पॉजिटिव आएगा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एज वेल एज रेजोनेंस, जबकि यहाँ पे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या हो गया, ये। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, ए दिस इज बी सी एंड डी। तो मैं क्या बोलूंगा कि सी इज मोर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो इसमें SN1 सबसे फास्ट होगा, तो क्या लिखेंगे, सी। ओके, देन सेकंड नंबर पे दो बेंजीन रिंग वाला ये वाला बी। अब एक बेंजीन रिंग वाले में हमारा मामला टाई हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों के अंदर एक बेंजीन रिंग है और दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। तो इधर देखिए, इसमें यहाँ पे CH3 लेकिन यहाँ पे CH3 नहीं है, तो क्या होगा कि ये कितना डिग्री हो गया हमारे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया विथ रेजोनेंस, जबकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन विथ रेजोनेंस। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या हो गया, ये। तो फिर हम क्या बोलेंगे, डी, एंड देन क्या बोलेंगे, ए। ओके, अब आगे बात करते हैं, इनमें बात करते हैं SN2 में। तो ध्यान रखिएगा, SN1 में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं और SN2 के अंदर क्या देखते हैं, हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। तो देखिए हमारा अब कार्बोकेटाइन का काम नहीं है, हम कार्बोकेटाइन हटा देते हैं, कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं SN2 में, हम SN2 की बातें कर रहे हैं। तो आप बताइए कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है, कौन से ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे हैलोजन अटैच है, बीआर अटैच है। तो देखिए, इस बीआर को बाहर निकालने के लिए न्यूक्लियोफाइल आराम से आएगा और इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, क्योंकि एक ही बेंजीन रिंग और इसके अलावा कुछ नहीं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। फिर आइए दूसरी बेंजीन रिंग पे, इस वाले पे, डी पे, इसमें एक बेंजीन रिंग एज वेल एज क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपल करेगा, इसके कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा रिपल होगा। इधर आ जाइए इन दोनों में, यहाँ पे फिर क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा और बीआर को बाहर निकाल देगा। अब इन दोनों की बात करते हैं कि इनमें कहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, सीधी सी बात है, यहाँ पे CH3 भी अटैच है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इस वाले कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गया, 3 डिग्री हो गया, जबकि ये तो क्या है, 2 डिग्री। तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है वहां पे SN2 का रेट क्या हुआ, सबसे ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा है तो ए, रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम। फिर दूसरे नंबर पे डी, फिर बताइए बी, और फिर क्या हो जाएगा, सी। ये ऊपर वाले ऑर्डर का जस्ट रिवर्स हो गया क्या, बिल्कुल, ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स। तो ध्यान रखिएगा SN1 और SN2 का रिएक्टिव ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स होता है। ओके, अभी हमने जो देखा आज की क्लास के अंदर डिफरेंस देखे SN1 SN2 के अंदर। डिफरेंस पढ़ने से पहले आगे की दो क्लासेस जो है आप देखिएगा, वीडियो बने हुए हैं SN1 और SN2 के सेपरेटली। फिर आएंगे हम किस पे, डिफरेंस पे, और डिफरेंस के बाद में फिर हम देखेंगे एग्जांपल जो आज की क्लास में हमने देखे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।